गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे यहाँ पे इंडिया में पहली सुबह, पहली मतलब कि हमारी छुट्टियों की पहली सुबह ही है। यस। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने पोल डाला था एक कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं, और होपफुली आप में से बहुत से लोगों ने एकदम सही गैस किया होगा हमारे जाने की लोकेशन को, क्योंकि काफी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं हैप्पी सेफ जर्नी। और कुछ लोगों को तो 100% आइडिया ऑलरेडी है कि हम लोग जाने कहाँ वाले हैं, लेकिन इस बार हमने कैप्चर किया, लेकिन इस बार भी थोड़ा सा पोपट हो गया। पोपट ये हुआ कि हम लोग जब आए तो ओनली डैड वाज एट होम, मम्मी नहीं थी, कुछ गेस्ट आए हुए थे उनको ड्रॉप करने के लिए शी वॉज आउट। और ऑलरेडी आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि मम्मी को हमने कैसे सरप्राइज किया। एक्चुअली में वो हमारा ही पोपट हो गया, जैसा हमने एग्जैक्टली प्लान किया था वैसा हम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। कह भी रही थी देखना, मम्मी हमारे रूम में ही आएंगे आते ही, और वही हुई। तो हमारा ये प्लान था कि हम लोग अपने रूम में जैसे छुप जाएंगे और एक दो मिनट के बाद फिर हम लोग निकलेंगे और मॉम के रूम में जाके उनको डरा देंगे या शॉक कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो ये हमारे दिन की आज की शुरुआत है। टुडे इज 12th of December। धीरे धीरे हम अपने दिन को प्रोग्रेस करेंगे और दिखाएंगे कि हमारी डे की एक्टिविटी क्या है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पापा ही थे, तो पापा तो मतलब गाइस ये अपने सिस्टर से बात कर रही है अभी। सरप्राइज हो गए थे, तो मम्मी आई तो मम्मी को सरप्राइज दिए एक तरह से, मतलब सरप्राइज ही था, विश्वास ही नहीं हो रहा। पापा बोलते हैं उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम आएंगे ना। नहाना है ना, गर्म पानी ले आओ। गर्म पानी तो तेरे को अभी चाहिए चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। अभी तो ठंडी लग रही है, अभी गीजर तो हमारे वॉशरूम में हमने लगाया नहीं है, क्योंकि हमारा इतना ठंड होता नहीं है। किचन से तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है अब। हाँ, जो पापा मम्मी वाला वॉशरूम है वहाँ से जाके हम सीधा ले आते हैं, या तो उधर नहा लेते हैं या तो उधर से ले आते हैं गर्म पानी। पिछली बार क्या हुआ था कि मैं मुझे क्योंकि उससे ना ठंडे पानी से नहाने की मतलब मेरे को ऐसे ही होता है कि मैं गर्म पानी करके नहाता नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया कि जैसे लास्ट टाइम हम दिसंबर में यहाँ पे आए हुए थे तो उसी पानी से नहा रहा था, और ठंडे पानी से ही नहाता गया मैं एक दिन। और नेक्स्ट डे हमें ट्रैवल करना था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग शायद हम 3-3:30 बजे उठे और मैंने ठंडे पानी से मैं नहा लिया, और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, मैं तो अपनी तरफ से होशियारी दिखा रहा था कि देखो मेरे ठंडे पानी से नहा के मुझे कुछ नहीं होता, बाकी सारी पूरी फैमिली जो है वो गर्म पानी से नहाती है। और मैं 2-3 घंटे के बाद ही बस मेरे को बुखार शुरू हो गया, और मेरा पूरा पूरा ट्रैवल हम बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे थे, नागपुर जा रहे थे, अपने ससुराल जा रहा था मैं इसके साथ, और पूरा रास्ता मतलब जो मेरा ट्रैवल जो था ना, ट्रैवल का टाइम पूरा ख़राब हो गया। मैं पूरे रास्ते सोते सोते गया क्योंकि बुखार इतना तेज़ हो गया था मेरे को। इस बार वो गलती बिल्कुल नहीं करने वाला, इस बार मैं पूरा टाइम मतलब जब भी मेरे को नहाना होगा मैं गर्म पानी का ही यूज़ करूँगा। और अभी आजकल हम लोगों को इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं है क्योंकि हम UAE से बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि मैं पूरा बचपन जो है वो कभी गर्म पानी से नहीं नहाया, तो नहा के मिलते हैं। ये देखो दिन की शुरुआत चाट से, दिन की शुरुआत चाट से सोचो न्यूट्रिशियस। बहुत खिला रही है मम्मी, देखो आधा एक आधा कल भी कह रहे एक, तू तो नहीं बोल रहे थे चपाती के लिए तू भी खा ली, मैंने कहा एक की कीमत तुम क्या जानो लोकेश बाबू। हम लोग निकल रहे हैं फाइनली हम लोग पहली बार बाहर जा रहे हैं, और हम सोच भी रहे थे कि क्या अभी हम उस पे सवारी करेंगे। लतीफ बहुत ही एक्साइटमेंट है, ये है हमारी वो प्यारी बाइक, देखो कैसे पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है, वो बचाने के लिए कवर ढका हुआ था। तो ये है मेरा नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा रॉयल। वो चेक दिस आउट, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा गंदा हो गया था तो सोचा कि थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, वेट टिश्यू को फायदा हो गया ना वैसे। ये बुलेट नहीं है, बुल्ट है ये। बुल्ट है। गाइस ये जो ग्रिल है ये मैंने लास्ट टाइम लगवाई थी जब मैंने खरीदा था, 3-4 दिन बाद ही इसको लगवा लिया था। बट ये जनाब का भी फिर और कुछ फिर प्लान इन्होंने अपने आप करके रखा। फिर मेरा मन था कि इसके ये मिरर्स उतारने हैं तो वो भी उतार दिए थे, जो कस्टमाइज्ड हेड लैम्प होता है वो लगाने का सोच रहा हूँ मैं। पहली सेल्फ स्टार्ट कैसा लग रहा है? मस्त मजा, इसकी जो वाइब्रेशन है ना, जो मतलब आपको फील होती है जब इसकी साइलेंसर में से डुक डुक की आवाज आती है तो वो अलग मजा होता है इसका, तो हमें प्रस्थान करना चाहिए। यस चले चलो। Whether it's working or shots, give it all that I got, you can watch me work in my element, and
in the way is irrelevant. Actually, मैं क्या है कि जो new bullets आया ना, देखा सा दो BS6 Roms के जो bullets हैं, उसमें ये थोड़ा सा एक मतलब disappointment वाली बात ये है कि इसकी जो silencer की sound है ना, उसको उन्होंने degrade कर दिया है. मतलब कि इसके decibels को थोड़ा दबा दिया है, ताकि ये लोग अपने BS norms को conform कर सकें. तो ये यूजर्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो है सो है, चलता है तो चलना ही बढ़ाना ही पड़ेगा. कुछ लोग फिर भी कस्टमाइज़ करवा के उसके मज़े एक तो बना ही लेते हैं, लेकिन उस पर चालान भी है. गाइस हम लोग आए थे स्टेशन, फिर से स्टेशन पहुंच चुके हैं. भाग भाग के आए यार एकदम, मतलब बहुत तेज़ी से हम आए, बहुत तेज़ी से बाइक चलाई हमने. एक्चुअली हम गलत रास्ते में चले गए थे पहले, तो हम लोग आए थे हमारे बुआ जी फूफा जी से मिलने के लिए, उन्हें भी सरप्राइज़ दिया मिलने के लिए. हमें लगा हम पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन फाइनली पहुँच गए. जलंधर स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, क्राउड और एज यूजुअल. कल हम इसी टाइम पे तो स्टेशन थे ना, हाँ. तब भी ऐसी धूप थी तेज तेज एकदम, एक ही बज रहे थे तब भी हम लोग कल इसी टाइम पहुंचे थे. हाँ 24 घंटे में फिर आ गए. ये देखो जी जलंधर शहर स्टेशन, और वो है हमारा तिरंगा. ये है तिरंगा शान से लहराता हुआ. छोटी है ना, लाइक the same one, fine na, okay. Yeah, better than that. Yes, sleeves are also little bigger. गाइज ये जलंधर का देवी तालाब टेम्पल है. जलंधर का बहुत फेमस टेम्पल्स में से एक है ये. वैसे तो बहुत टेम्पल्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें से इसका नाम काफ़ी आता है. और हमने शॉपिंग की है ठीक उसके ऑपोजिट साइड पे, एक बिग ब्रांड डील्स अर्बन स्टूडियो करके एक शॉप है. अच्छी चीज़ें, अच्छी स्टफ है, प्राइसेस भी इतने कोई खास बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है. तो हमने कुछ एक आर्टिकल्स खरीद लिए. पेट्रोल वाले सोचा कि नाइट्रोजन एक बार चेक करवा लेते हैं, तो मेरे पीछे ही है नाइट्रोजन का, चेक कर रहे हैं थोड़ा होगा कम ज़्यादा तो भर देंगे. ज़रूरी है वैसे ये, ज़रूरी है आपको अपनी बाइक की मेंटेनेंस का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो व्हील्स होते हैं, जो टायर होते हैं, वो ज़रूरी है कि उनमें सही से हवा का बैलेंस बना रहे. तो ये चीज़ स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे यस दिस इज वॉलीबॉल नेट और एक मतलब ग्राउंड है, पे कुछ बेंचेस लगे हुए हैं. वो एक, हाँ वो एक न्यू टच था मेरे ख्याल से, उसको एक साल से ज़्यादा हो गया किए हुए, पहले ऐसा कुछ था नहीं ना. चलें घर को, खाना वाना खाएं, वैसे भी शाम में भी निकलना है ना फिर. वेल दाढ़ी बढ़ गई चलते हैं, हम सोचे थे कितने दो घंटे से हम सोच रहे हैं चलते चलते, लेकिन बातों बातों में फिर ऐसे टाइम निकल जाता है. अभी कितना हो गया, 7 बजने वाले हैं, अब जाएंगे तो जाके 8 बजे फ्री होंगे. क्या चल रहा हीरो, ऐसे मैं कैमरा कॉन्शियस हो जाऊंगा बहुत. ऐसी कुछ लोग आई है, इसमें मैडम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से कम है वहाँ ज़्यादा है, जो कि हर बार होता ही है, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल फॉर मी. और ये हैं फाइनल लोग. गाइस देखो हम कहाँ पे खड़े हैं अभी. वो क्यों खड़े हैं वो मैं बताता, ये इसको चाप खाने का बहुत शौक, बहुत ज़्यादा शौक है. पकौड़ा में इसने इतनी चाप खाई है, हमने शुरुआत ही वहीं से की थी. वो एक्चुअल में मैंने बताया था क्योंकि मेरे को किसी दोस्त ने बताया था बहुत पहले कि चाप जैसी कोई चीज़ है, बहुत पहले की बात है वो. और मैं इसको एक दिन ऐसे ही लेके चला गया, तब से इसको ऐसी आदत पड़ी हुई है ना चाप की, कि बस इसको आना है यहाँ पे पंजाब में ना चाप, यहाँ पे भी ये चाप ढूंढती रहती है. यहाँ पे तो उसके मज़े हो ही गए. यहाँ पे ये महाराज बना रहे हैं मलाई चाप, पूरा वेज है ये. आपका पूरा वेज रेस्टोरेंट है ना, वेज रेस्टोरेंट ये जो है पूरा वेज है, इसमें नॉन वेज कुछ भी नहीं बनता है. हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ चौपाटी, यहाँ पे चौपाटी जंक्शन है टोटल, तो हम लोग बाद में आएंगे वहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल जो खाने का मन था वो मेरा चाप खाने का मन था, तो पार्सल करवा के हम जाएंगे फटाफट घर. घर 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 इस पे. अच्छा चल बिना चाबी के स्टार्ट करके दिखा दे मेरे को. अच्छा एक मिनट में देता हूँ चाबी तेरे को. पता सब है इसको कहाँ से स्टार्ट होगा. वाह वाह वाह.
इतना तो कर ही मेरे को आता है। कब? अभी थोड़ी कल चलाते हैं, चल कल चलाते हैं। हाँ मतलब थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बीच में अभी 3-4 महीने पहले चलाए थे। अब बोल गई है, थोड़ा रोड में चला के जाना। तेरे को सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ गियर्स की है, क्योंकि तेरे को गियर्स का भी वो इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कौन सा पहला दूसरा तीसरा कैसे शिफ्ट करना है, वो पता लग जाएगा ना, तो बैलेंसिंग तो तेरे को आती है अच्छे से। फिर मैं चला के आपको मेरे को फिर दूर दूर के इलाकों तक लेके जाएगा। चलो फिलहाल तो हम अपनी चाप वाप पैक करवाएं। थैंक यू, ये लो अपनी अमानत। हमारे सारे बाहर के काम हो गए, हम लोग आ गए घर पे। स्वीट खुश है ये, बुलेट राइड से बहुत खुशी हुई है इसको बहुत ज़्यादा। तो चाप खरीदी थी मैडम ने, ठीक है, मेरी बियर्ड का काम हो गया। और क्या खाने वाले? साग। हाँ साग खाएंगे, साग। मक्की की रोटी तो पता नहीं है अभी मैं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हाँ क्योंकि अभी हम थोड़े लेट भी हो गए हैं ना, तो मक्की की रोटी हम कल खाएंगे, फिलहाल साग और चपाती खा रहे हैं। और जो आज का साग बच जाएगा वो फिर हम फिर कल खाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्वाद लगता है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि अब हमारा डिनर का टाइम हो गया है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं हमारी, तो हम लोग पहले डिनर कर लें और आपसे मिलेंगे अब अगले दिन। थैंक यू, चलो मिलते हैं, शुभ रात्रि, शब्द गुड नाइट।